पहले महासमुंद से एक बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे, जो है NH 53 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। तीन ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है, तीनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हालांकि राहत भरी बात यह कि जनहानि नहीं हुई, ड्राइवर्स ने फौरन कूदकर अपनी जान बचा ली। आग से तीनों ट्रक जलकर खाक हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें News 18 आपको दिखा रहा है। तीन ट्रकों के बीच आपस में भीषण भिड़ंत और उसके बाद अचानक से आग धधकी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तीन ड्राइवर जो कि तीनों वाहन चला रहे थे सुरक्षित हैं, मौका देकर गाड़ी से बाहर आ गए। News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीन ट्रक, टक्कर होती है, टक्कर के बाद आग लगती है और आग लगने के बाद किस तरह की स्थितियां, आग जब लगी हुई थी तब की स्थितियां और आग लगने के बाद की स्थितियां। कल भी इस तरह का घटनाक्रम एक सामने आया जब दो ट्रकों में टक्कर हुई और टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई। News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रोड सेफ्टी के तमाम दावों के बावजूद होते हादसों की भी वानगी है। बहुत गौर से इन्हें देखिए। तीन ट्रक, आग लगती है, आग लगने के बाद ड्राइवर्स किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। NH नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर यह हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और उसकी वानगी ये तस्वीरें। टायर फूट रहा है बार बार। और सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, पूरी जानकारी दें, ड्राइवर सुरक्षित है, अच्छी बात ये, हादसे की वजह? देखिए ललित जी, ये पूरा घटना जो है देर रात का है और राष्ट्रीय राजमार्ग में ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सांकरा के पास यह हादसा हुआ है। तो ट्रक जो है, एक पहले से एक ट्रक खड़ी हुई थी और पीछे से पहले एक ट्रक टकराया, फिर दूसरा ट्रक टकराया और देखते ही देखते भीषण आग लगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बसना विधानसभा क्षेत्र है और इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है। इसी वजह से जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। आग पर काबू पाया जा सकता था लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं होने की वजह से आग बढ़ती गई और तीनों ट्रक जो है जलकर खाक हो गए। राहत की बात यह है कि तीनों जो ट्रकों में जो ड्राइवर थे उन्होंने किसी तरह गाड़ी से कूद कर अपनी जान बचाई है। और लगातार जो नेशनल हाईवे है, यहाँ सड़क हादसों के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये हादसा जो हुआ है, पहला कारण तो ये सामने नजर आ रहा है कि एक ट्रक पहले से ही सड़क पर खड़ी हुई थी और क्यों खड़ी हुई थी अभी साफ नहीं है। फिर दूसरा ट्रक आया, फिर तीसरा ट्रक आया और तीनों में भिड़ंत हो गया। भिड़ंत के बाद चिंगारी उठी और आग में पूरा तब्दील हो गया और देखते ही धू धू कर जला, जिसकी तस्वीर जो है आग जलने के बाद भी देखने को मिली, जहाँ तीनों ट्रक जो है जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। तीनों ड्राइवर सुरक्षित है और सांकरा पुलिस पूरी घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है। जी ललित जी, बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक भी फायर ब्रिगेड नहीं, इससे ज्यादा हैरत क्या हो सकती है। मैं वापस इमरान उसी घटनाक्रम पे आना चाहूंगा। एक ट्रक खड़ा है, फिर एक ट्रक आकर टक्कर मारता है और फिर उसमें आकर तीसरा ट्रक जाके भिड़ जाता है। एक गाइडलाइन है ट्रक चलाने की नेशनल हाईवे पर, 60 के आसपास की इनकी स्पीड की गाइडलाइन है और ट्रैक होते हैं अलग अलग अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, बावजूद इसके हादसा हो गया। इमरान जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार भी इसका एक बड़ा कारण है और लापरवाही पूर्वक जिस तरह से गाड़ियां खड़े कर देते हैं रोड के किनारे, और खासतौर पर नेशनल हाईवे में गाड़ी चलाने के लिए नियम कायदे कानून है जिसका पालन तो नहीं किया जा रहा है। और जैसे पहले कारण हमें पता चले कि एक ट्रक जो है खड़ी हुई है और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ट्रक जो है ठीक रोड के किनारे खड़ी हुई है, तो हादसे तो खुद निमंत्रण दे रहे हैं। और इस तरह अगर सड़कों पर लापरवाही पूर्वक ट्रक खड़े कर दिया जाए या तेज रफ्तार चलाया जाए, स्पीड पर लिमिट अगर नहीं रखा जाए, तो जाहिर तौर पर है कि ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आएगी जिसका एक बड़ा तस्वीर हम देख रहे हैं महासमुंद जिले में कि किस तरह जो ट्रकें जो है वो धू धू कर जल रही है और आग की लपटों में तीनों जो ट्रक है वो जलकर खाक हो गए हैं। ये बेहद ही जांच का विषय है और इससे इस पर नियंत्रण कैसा पाया जा सके, इसे लेकर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सोचना चाहिए और कोई कानून या कोई बड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। जी ललित जी, ये हाईवे जो तीन बड़े राज्यों को जोड़ता है, तकरीबन 2000 किलोमीटर का ये पूरा नेशनल हाईवे 53 है और हादसे सबसे ज्यादा हादसों में नेशनल हाईवे 53 का नाम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेख इमरान आपका इस तमाम जानकारी के लिए।